भाजपा के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने, जहां बता दें कि नरेंद्र कश्यप शामिल हुए, जिसमें उनके साथ नरेंद्र कश्यप जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश मसाला भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि सम्मेलन में नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, जिस दौरान नरेंद्र कश्यप ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। अमेठी में ओबीसी मोर्चे के तत्वाधान में आज पिछड़े समाज के लोगों का बड़ा सम्मेलन बड़ी सफलता के साथ संपन्न हुआ है, जिसमें आज सभी अमेठी के पिछड़े समाज के भाई बहनों ने फैसला ले लिया है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री बहन स्मृति रानी जी को 2019 से भी अधिक मतों के साथ जिताकर संसद में भेजेंगे। मैं आज इस ओबीसी सम्मेलन के बीच जैसा उत्साह कार्यकर्ताओं का मनोबल, कांग्रेस सपा बसपा का गिरता हुआ ग्राफ, निष्क्रिय संगठन, इस सब के आधार पर आज अमेठी में फिर ये साबित हो रहा है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत इस अमेठी की जनता करने वाली है। बहन स्मृति जी लाखों लाखों मतों से जीतकर फिर से संसद में जाने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी समाज को 10 सालों में वो सब दिया है जो कांग्रेस ने 50 साल में नहीं दिया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, ओबीसी कमीशन को कैबिनेट का दर्जा देना, नीट की परीक्षा में 27% रिजर्वेशन, सैनिक विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी समाज के बच्चों को 27% रिजर्वेशन, मोदी कैबिनेट में 35% ओबीसी सांसदों को मंत्रालय, और उत्तर प्रदेश में भी पिछड़े समाज के लोगों को योगी की सरकार में वो सब शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार। भैया पिछड़ा सम्मेलन अभी था, नरेंद्र कश्यप जी आए थे, पिछड़ों की एक बड़ी भीड़ देखने को मिली, क्या लगता है? पिछड़ा मोर्चे का सम्मेलन भाई घनश्याम चौरसिया ने आज जो जिला अध्यक्ष हैं करवाया, बड़े चिंतक ओजस्वी वक्ता भाई नरेंद्र कश्यप जी ने जो कैबिनेट जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार में मंत्री हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज लोग जिस उत्साह से भरे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अपने अनुमान के आधार पर कि अब की परिणाम ऐतिहासिक होगा, जीत लाखों में होगी। पिछड़ा वर्ग अब अपने अधिकार को भी जान गया है, अपने नेता को भी पहचान गया है कि कौन उसका है कौन पराया है। आज आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए हैं। जो पिछड़ा है, पिछड़ा समाज ही नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता है, तो आज आपने देख लिया किस तरीके से भीड़ आई, माताएँ बहनें आई, और किस तरह से लोग हंसते खेलते उछलते हुए जा रहे हैं और कांग्रेस को देख रहे हैं कि कब कांग्रेस प्रत्याशी आए और उसको धूल धूसरित करके वोट की आंधी में बहाकर किनारे पर पहुंचा दिया। आपने देखा हजारों हजार की भीड़, ये कटिया बिनिया का समय चल रहा है, लेकिन लोग अपने नेता को सुनने आए हैं।